अस्सलाम वालेकुम मैम, मिडिल क्लास उस्मान रफीक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हूँ टू ब्रदर्स के घर, तो आपको भी पता मैं इधर आया हूँ और उनके साथ मौजूद हूँ। तो उससे पहले आपको मैं एक कहानी बता दूँ। जब से मैंने 10 सब्सक्राइब, तो उनमें से जो थे ना एक सपोर्टर सब्सक्राइबर था ना, वो बिलाल भाई था, वो भी अनवार भाई के बड़े भाई। तो आज मैं उनसे बातें करूंगा, उनके साथ एक व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि उन वो ना अब पेंटिंग करते हैं और बहुत ही अच्छी वो पेंटिंग करते हैं। मुझे उनकी पेंटिंग देख के ना बहुत ही खुशी होती है। तो मैं इनके घर आया हूँ, मैंने उनका टैलेंट देखा है, या देखे जाते ये उन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है। तो अब इनसे ये भी पूछेंगे कि उनको इतनी बड़ी पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है, कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन सी चीज़ रंग चाहिए जिसके साथ इनका ये रंग सारा मैच होता है, सब इनसे पूछेंगे। चलाएं चलते हैं, बिलाल भाई से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि उस्मान रफीक मुझ पर व्लॉग बना रहा है। और मैंने सबसे पहले पेंटिंग स्टार्ट की थी 8th क्लास में, मतलब कि आहिस्ता करता गया। और पेंटिंग्स में सबसे पहले होता है कि ये लाइन्स, बंदे को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, लाइन्स, और उसके बाद फिर सर्कल, फिर बाद में आ जाती है शेडिंग के लिए आप एजेस वगैरह नोट करते हैं कि कैसे एजेस शेड करते हैं। आहिस्ता ना मेरी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई जा रही है, और ये इम्प्रूवमेंट मतलब कि मैं पेंटिंग्स करता रहा और अब मैं प्रोफेशनल, मतलब कि प्रोफेशनल तो नहीं, पेंटिंग्स मेरी अच्छी इम्प्रूवमेंट के पास हो ही जा रही है। यार भी इसे जो है कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें देख के बहुत ही खुश हो जाऊँ। जैसा कि आज इन लोगों ने आपको बताया कि सबसे पहले ये चीज़ें सीखनी पड़ती है स्टार्ट में। ऐसा नहीं कि अब आपने पेंटिंग करनी है तो आप पहले ही पेंटिंग्स में शुरू हो जाओ, सबसे पहले आपने लाइनें वगैरह लगाना सीखनी है। बिलाल भाई ने आपको बताया दिया है। अब बिलाल भाई से पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है इसमें क्या है, और आपको एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना वक्त आपका इसमें लग जाता है और कितने दिन लगते हैं। बिलाल भाई, आपको एक पेंटिंग, छोटी सी पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लग जाता है? अगर वो पेंसिल के साथ ड्रा करनी है आपने, मतलब कि सिर्फ सिंपल शेडिंग करनी है, जैसे ये मैंने सिंपल शेडिंग की है पेंसिल के साथ, ये तो तकरीबन 1 घंटे में बन जाती है। और अगर आपने ऑयल पेंट्स के साथ करनी है, ये ऑयल पेंट्स के साथ, ये भी ऑयल पेंट, वो भी ऑयल पेंट के साथ हुई है, और भी ऑयल पेंट्स के साथ है, तो वो ऑयल पेंट्स जो होते हैं ना मिट्टी के कलर्स, मिट्टी के साथ तेल के साथ होते हैं, जिसकी वजह से वो ड्राई होने में टाइम लेता है, तो 1-2-3 दिन लग जाते हैं तकरीबन ऑयल पेंट्स के साथ। पेंटल पोस्टर कलर्स जो होते हैं उनके साथ 2-3 घंटे लगते हैं। अब बिलाल भाई ने इतनी पेंटिंग मेहनत की है, अब इनसे पूछते हैं कि ये जो है किस चीज़ पर बनती है। बिलाल भाई, ये पेंटिंग बनाने में कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोई पेज की, किस चीज़ की ज़रूरत? अगर आपने सीनरी टाइप बनानी है ना, सीनरी की तरह, तो वो कैनवस के ऊपर बनती है। ये कैनवस पेंटिंग्स है, कैनवस एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर उन्होंने चूना वगैरह लगा के उसको मतलब के तैयार किया था, और उसके ऊपर फिर ऑयल पेंट्स ईजीली हो जाते हैं। और इसको मैंने आगे भी बताया ना, थोड़े मतलब ऑयल पेंट्स को थोड़ा टाइम लगता है कि ड्राई होने में, उसके बाद फिर बाद में। तो इतनी आप पेंटिंग बनाते हैं, आप इतना अपना टाइम लगाते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं, लेकिन ये आप बेचते भी हैं क्या पेंटिंग? जी, मैं सेल भी करता हूँ। अगर मुझे मेरा कोई दोस्त वगैरह कह भी दे कि हमें बना के दो, तो मैं उन्हें बना भी देता हूँ। मैंने 1-2 दोस्तों को बना के भी दी हुई है, और अगर किसी ने लेनी भी है तो मैं उसे मतलब के बता देता हूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, फिर वो ले लेते हैं। तो मेरा तो बिलाल भाई बड़ा दिल कर रहा है पेंटिंग लेने का, क्योंकि मुझे ये वाली जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। जैसे आपने इसे तैयार किया होगा, मुझे ये सबसे ज़्यादा आपकी पेंटिंग पसंद आई है। अब आप इसकी ज़रा प्राइस बता दें। थैंक यू वेरी मच, मैं आपके लिए एक पेंटिंग तैयार भी कर रहा हूँ। नहीं, आप प्राइस बता दें, वो तैयार करने की बाद में बात होगी। एक तो मैंने खरीदनी है, आप चाहे मुझे 100 गिफ्ट दे दें, चाहे 1000, एक तो मैंने खरीदनी है। बिलाल भी आप इसकी कीमत बताएं कि इसकी क्या कीमत है? यार ये 3000 की भी होती है, 2500 की भी होती है, लेकिन आपके लिए 2500 की है, और जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं ना जिन्होंने मतलब कि ड्रा करवानी है मुझसे, उनके लिए 50% डिस्काउंट है, 50% ऑफ है उनके लिए। अब तो यार आपका दिल जो है ना बहता ही जा रहा है, क्योंकि बिलाल भाई ने मेरी खातिर जो है 50% डिस्काउंट कर दिया है। अब मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन पर, और व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो भी मैंने इनका दे दिया है। अगर आपका दिल करता है तो जाकर खरीदे, लेकिन अगर आप 10,000 के लिए, 5,000 के लिए, लेकिन आपको 50% डिस्काउंट ज़रूर होगा। अब आपकी मर्जी, आप लें।
इनसे जो है पूछ तो लिया है कि पेंटिंग कैसे बनती है। अब यार पेंटिंग को देख तो ले, ऐसे ही अपना दिल बहते ही जा रहा है। बिलाल भैया हमें अपनी सारी पेंटिंग दिखा दे। उसके बाद जो है मैं एक और चीज देख के परेशान हो गया हूँ। ये पेंटिंग सही है, कैनवस पर पेंटिंग पर बनती है, ये तो मुझे भी पता है, ये कागज पर बनाया है, लेकिन ये क्या चीज है? ये वॉल पेंटिंग है, ये ना गलती से ना मुझसे यहाँ पे ऑरेंज कलर गिर गया था, तो फिर मैंने सोचा कि ना ये दीवार गंदी भी नहीं होगी इससे और बुरी भी नहीं लगी थी, फिर मैंने ये मोड़ ड्रा कर दिया इसकी। क्या बात है, आप इनका दिमाग चेक करें कि दिमाग दीवार भी ना गंदी हो और एक ऊपर कोई डिजाइन भी बन जाए, और ये एक आपने गलत बनाई है। ये क्या, ये एक टॉपिक मिला था साइलेंट वॉइस, मतलब कि आजकल लोग जो है बहुत ज्यादा जो है ना बच्चों को तंग करते हैं, छोटे बच्चों को, उनके मतलब के राइट्स हैं उनको काफी ज्यादा, लेकिन उनके राइट्स जो है ना बहुत ज्यादा लोग दबा देते हैं। जिसके बिलाल भाई जब ये भी पूछ सकते हैं कि किसी को पेंटिंग भी सिखाते हैं, बिलाल भाई क्या आप किसी को पेंटिंग सिखाते हैं? जी भाई, मैंने पेंटिंग्स अभी एक दोस्त को सिखाई थी थोड़ी सी, तो उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब चैनल भी बना लिया था, और उसकी मुझसे भी अच्छी पेंटिंग्स है, कलर सीरियल्स के नाम से उसका यूट्यूब पे चैनल है। तो क्या बात है, आपने अभी एक अपना शागिर्द भी तैयार कर लिया, मतलब कि उसे उसका शौक उसका सही कर दिया, उसे सिखा रही है पेंटिंग। जी तो अगर मैंने आपसे सीखनी है तो आप मुझे सिखा देंगे? जी जरूर, इंशाल्लाह जरूर। तो इसके पैसे क्या होंगे? यार कोई भी अगर सीखना चाहे या कोई भी पेंटिंग्स वगैरह बनाना चाहे ना, उन्हें मैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके फिर उनसे मैं रब्ता करके बता दूंगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाके रब्ता करें और सीख सकते।